हूं मशेक पब्लिक चैनल से। दोस्तों बहुत दिनों से जो है हमारे चैनल को और मुझे फोन आ रहे थे कलवा शिवाजी हॉस्पिटल के बारे में कि वहां पर जो मैयत हो रही है उनको भी जो है कलवा मुमरा की जो बॉडीज जा रही है वहां पर, मतलब जो पेशेंट जा रहे हैं वहां पे, उनको जो है कोरोना वायरस के इससे जोड़ के देखा जा रहा है और कुछ बगैर जाने हुए बगैर समझे हुए उनकी रिपोर्ट जो है जो वहां इंतकाल हो जाते हैं जहां उनकी मैयत हो जाती है उस डेड बॉडी को जो है ये लोग सस्पेक्ट करके जो है कोरोना वायरस का और बता के और उसको सर्टिफिकेट देते हैं। इसके वजह से जो है बड़ी दिक्कतें आ रही हैं कि उनको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मुसलमान का जो एक धर्म है और जो उनका रीति रिवाज है उसको जो है एक मैयत में भी पूरा किया जाता है, जैसे कि मुंह देखना हुआ और लोगों को गुसल देना हुआ, नहलाना हुआ, लोगों को चार लोग मिलके 100 लोग मिलके उनको कब्रिस्तान में लेके जाना हुआ, तो बहुत सारी चीजों से जो है इस मैयत को जो है सस्पेक्ट देने की वजह से जो है महरूम हो जाती है क्योंकि वो रीति रिवाज कोई कर नहीं पाता है। तो ये आज जो है ये हकीकत जो है सामने आई है कलवा शिवाजी हॉस्पिटल की कि एक मैयत हुई है जो कि उसको जो है पीलिया हो गया था, जैसे कि बताया जाता है ज्वाइंटिस वो हो गया था उसको, तो उसके बदन में जो खून बहुत कम हो गया था और ये तकरीबन 20-22 साल का लड़का था, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी। मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाता हूँ। दूसरी चीज है ये जब इसको कलवा शिवाजी हॉस्पिटल में लेके गए तो वहां पर जिस वार्ड में, वार्ड नंबर 3 में जो है जो पॉजिटिव को रखा जाता है, जो ये कोरोना वायरस के जो मरीज को रखा जाता है उसी वार्ड में जो है उसको रखा गया और उसको उसकी जो है मौत हो गई। उसकी मौत होने के बाद जो है जो डॉक्टर वहां से जो सर्टिफिकेट दिए वो कोरोना वायरस के सस्पेक्ट का दिए, तो इसकी वजह से जो मुमरा एमएम ओली का जो कब्रस्तान है वहां पर दफनाने में बड़ी दिक्कतें आई और बहुत परेशानी हुई घर वालों को और कब्रस्तान वालों को बहुत जो है, क्योंकि ये मरीज जो है इनको जो है दफनाने के लिए लोग कोई नजदीक आते नहीं है और ना गुसल देने वाला आता है। आइए सुनिए कि उनके घर वाले, उनके परिवार वाले से हमने बात किया तो कितनी तकलीफें उनको आई है, कितनी तकलीफों के बाद वो जनाजे को दफन किया गया है। क्या नाम है आपका? आपके रिश्तेदार एक भाई थे, नौजवान थे, उनकी मैयत हुई और मैयत के मामले में बड़ी आप लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मेरे भाई का नाम मोहम्मद सुफियान सूर्या है, मोहम्मद सुफियान रफीक सूर्या। उसको पीलिया हो गया था एक्चुअली, उसका ब्लड एकदम कम हो गया था, कालशेखर में लेके गए थे, कालशेखर वाला बोले घर पर लेके जाओ, फिर कलवा हॉस्पिटल में लेके गए, उन लोगों ने रिपोर्ट कोविड-19 बताया, अभी 24 घंटे में डेथ हो गई भाई की। कलवा अस्पताल ले गए तो कलवा अस्पताल में ले जाते से ही डॉक्टरों ने उसको जांचा परखा, फिर कौन से वार्ड में रखा? पहले वार्ड नंबर 1 में लेके गए पहले फर्स्ट में, हाँ, फिर वार्ड नंबर 3 में लेके गए, कोविड-19 को वार्ड है ना। अच्छा, उसमें लेके गए नंबर 3 जो कोविड-19 के लिए बना हुआ है आइसोलेशन का वार्ड, उसमें रखे, उसमें लेके गए। अच्छा, हाँ, फिर उन्होंने थोड़ी देर चेकअप किए, फिर 2-4 घंटे बाद स्लैंग चढ़ाए, फिर अचानक 5 बजे बोल दिया कि डेथ हो गई। अच्छा, तो कितनी देर में डेथ हुई आपके भाई की? 24 घंटे में। 24 घंटे में तकरीबन। अच्छा, तो उस इस दौरान अस्पताल में क्या आपका अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस था? कुछ अच्छा इलाज नहीं कर रहे थे सर। अच्छा, कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे, हम लोग को बोल रहे थे बाहर जाओ आप, कुछ ऐसा ध्यान नहीं दे रहे थे, जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे, था पेशेंट पीलिया का और बता रहे कोविड-19। अच्छा, कुछ ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, फिर आपके भाई का इंतकाल हुआ, उसकी मौत हो गई, फिर आपने उसकी बॉडी कैसे लाए, कैसे तदफीन हुई, क्या मामला हुआ उसमें पूरा? उसकी बॉडी को ना एकदम प्लास्टिक के अंदर पैक करके दे दिया हम लोग को, हाँ। हम लोग ने फिर लेके गया कब्रिस्तान में, हाँ। कब्रिस्तान वाले भी नहीं बोल रहे, कब्रिस्तान वाले लेके गए कैसे भी करके, बोले उन लोगों ने, हाँ। फिर कैसे भी करके हम लोगों ने दफनाए, हालांकि गुसल भी नहीं हुआ है और ना ही घर वाले दीदार कर पाए। अच्छा अच्छा, ये बॉडी देते टाइम कोई कागज दिया था आपको अस्पताल ने? हाँ, दिया है ना। अच्छा, उसपे क्या लिखा हुआ था? कोविड-19 लिखा हुआ था, सस्पेक्ट करके। अच्छा, और उसके बाद जो है उसकी कोविड-19 की रिपोर्ट क्या आई? आज दोपहर में 2 बजे आई है, नेगेटिव आई है रिपोर्ट, एकदम नेगेटिव। अच्छा, हाँ। और नेगेटिव रिपोर्ट होने के बावजूद उसको सस्पेक्ट का सर्टिफिकेट देने की वजह से न घर वाले दीदार कर पाए, न गुसल हो पाया और न तरीके से तदफीन हुई। बेशक, मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।